आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है, टीकाकरण क्या है यानी कि वैक्सीनेशन क्या है, हमें ये बताना है। तो यहाँ हम हेडिंग डाल देते हैं टीकाकरण। अब टीकाकरण में क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम कि किसी रोग, यहाँ लिखें किसी रोग के प्रति, रोग के प्रति प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा का यानी कि प्रतिरक्षा के उद्देश्य, प्रतिरक्षा के उद्देश्य उद्देश्य से किसी पैथोजन यानी कि रोगजनक जैसे कि यहाँ पर हम लिखें जीवाणु, विषाणु आदि के छोटे भाग का मानव या पशु के जो रक्त होता है, रक्त में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है या प्रवेश कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, टीकाकरण हम इसको कहेंगे। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो मानव एवं पशु होते हैं उनमें जो उनके शरीर में प्रतिरक्षा क्या, इसको वापस लिखें, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है यानी कि विकसित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा जो किस प्रकार की होंगी, विशिष्ट यानी विशेष प्रकार की होंगी, जो केवल उसी जो पैथोजन आएगा उसी के लिए क्या करेंगी, एंटीबॉडी होंगी ये, यानी कि उसी पर क्या करेंगी, आक्रमण करेंगी और शरीर की रक्षा करेंगी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या कर देगा, यहाँ पर लिखें हम ये क्या कर देगा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको उत्प्रेरित कर देगा, यानी कि टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र को उत्प्रेरित कर देगा, जिससे क्या होगा, प्रतिरक्षा पैदा होगी शरीर में, प्रतिरक्षा क्या होगी, पैदा होगी, ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षा पैदा हो सके इसलिए क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे हम देखते हैं रूबेला का क्या किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, एवं चेचक जो टीका होता है यानी कि चिकन पॉक्स का टीका लगाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। अब ये क्या, इनके जो प्रभाव होते हैं, जो क्या होंगे इनके प्रभाव वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, यानी कि यदि हमने एक बार ये जो पैथोजन है वो प्रवेश करा दिया, उसके बाद जब भी उस जो पैथोजन है उसका जो क्या आएगा, रोगजनक जीवाणु या विषाणु आएगा, उसके प्रति क्या हो जाएगी, प्रतिरक्षा पैदा हो जाएगी और वो मार देंगे, ये जो क्या एंटीबॉडी विकसित हुई है इसके द्वारा वो उनको क्या कर देंगे, मार देंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।